प्रेमप्रकाश जी, 2015 में भी एक जनादेश दिया था बिहार की जनता ने, वो आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन को था उस समय। आपको ये जनादेश याद नहीं रहा, आपने भाजपा ने उन्हीं नीतीश कुमार के साथ में सरकार बना ली थी। अभी अचानक आपको गठबंधन का जनादेश इतना याद क्यों आ रहा है? नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं कि रहेगी, मुझको भरोसा है। तो प्रेम प्रकाश जी को भरोसा है, पर प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ है। एक तरफ प्रेम प्रकाश जी हैं, एक तरफ प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी से जानने में बड़ी दिलचस्पी है कि प्रेम प्रकाश जी के भरोसे पर प्रेम कुमार जी को कितना भरोसा आ रहा है, या प्रेम कुमार जी देख पा रहे हैं बिहार में खेल होना तय हो गया है। हिमांशु जी, बिहार की राजनीति बड़ा दिलचस्प है। और जी क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, दोनों दोनों मुझे आश्चर्य हो रहा है। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी जो तर्क दे रहे हैं, वही जी तर्क है जो बीजेपी देती रही है जी कि जनता के लिए हमको ये फैसला लेना पड़ रहा है। जी और एक बड़ा चर्चित तर्क ये कहा जाता है कि दल बदलू बोलते हैं ना, जी बिहार के संदर्भ में हम कहेंगे नीतीश बदलू है पार्टी। जी हम नीतीश कुमार को दोष नहीं देते हिमांशु जी, जी नीतीश कुमार को दल बदलू भी नहीं बोलना चाहते। बाकी दल जो है ना, वो नीतीश बदलू है। वो जी कभी बीजेपी को नीतीश चाहिए होता है, कभी कांग्रेस और आरजेडी को नीतीश चाहिए होता है। तो यहाँ पर दल बदलू का अर्थ उन लोगों पर ज्यादा जाता है। देखिए, जी हम जिस रूप में देखते हैं कि नीतीश कुमार गठबंधन के साथ में सहज महसूस नहीं कर रहे, जी मेरा ये नजरिया, बिल्कुल सहज महसूस नहीं कर रहे थे। जो बात आज ललन सिंह कह रहे हैं कि वो चिराग पासवान वाला जो साजिश हुई थी चिराग मॉडल के तौर पर, वो कह नहीं पा रहे थे वो। लेकिन ये मौका किसने दिया और कब दिया? आपने अपने बहस की शुरुआत में बहुत अच्छी बात कही जी कि ये मौका सवाल उठाया कि ये ऐसा हुआ क्यों, जब जेपी नड्डा जी पटना पहुंचे, अमित शाह जी पटना पहुंचे, वहां ऐसा क्या हुआ कि ये जी सारी चीजें होने लग गई। वहां ये हुआ था हिमांशु जी कि जी बीजेपी ने कहा कि 43 सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर बीजेपी तैयारी करेगी विधानसभा चुनाव लड़ने की। अब जी ये 43, 43 जो सीट्स है वो जेडीयू की सीट्स है। अब जी जेडीयू के मन में आया कि जो हमारे एमएलए हैं बस वहीं पे हमें लड़ने का मौका बीजेपी देने वाली है। और जी साथ में बीजेपी ये भी कह रही है कि हम मिल करके अगला विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन ये सब एक तरफा डायलॉग है, जी कहीं जेडीयू को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। वो जी एक तरफा बोल रहे हैं हम मिलके लड़ेंगे, हम 43 सीटें छोड़ के 200 सीटों पर लड़ेंगे। यही वो पॉइंट है जिसके बाद ये संबंध जो है विच्छेद की ओर आगे बढ़ा, जिसकी पृष्ठभूमि पिछला विधानसभा चुनाव है, जी ये हम देख रहे हैं। अब इसके बाद जेडीयू चुके गलबहियां लगातार कर रही थी, उनको अंदेशा था बीजेपी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में किया और दूसरे जगहों से, तो जेडीयू और नीतीश कुमार को पता था कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, होने वाला है। जी तो इसके लिए खास करके आरसीपी जी जिस तरीके से कैबिनेट में लिए गए, और नीतीश कुमार जी की मजबूरी थी कि वो कुछ न बोल पाते, वो बर्दाश्त किया उन्होंने। लेकिन एक वक्त आया राज्यसभा सदस्य का उनका रिन्यूअल नहीं होने दिया गया, उनको टिकट ही नहीं दिया गया कि वो फिर से दोबारा चुन के जाए। जी और अब बीजेपी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि आरसीपी को कैबिनेट में बनाए रखते, क्योंकि उसी समय उसी पॉइंट पर गिर जाता सरकार, तो गिर